Hello everyone. So today we'll be starting with grade 11th chapter number 2 of biology, that is biological classification. If you haven't watched the videos of first chapter, please go and watch it in the playlists. You'll find it there. Okay? And also please subscribe to the channel and hit the like button. Okay. So now we'll be starting with chapter number 2, biological classification. Classification. फेमिलियर लग रहा है, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, कितना सारा पढ़ा क्लासिफिकेशन के बारे में, नीड क्या है, कैसे करते हैं, वेरियस कैटेगरीज क्या है जिनमें हमने इन्हें करा है क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स को. तो इफ यू रिमेम्बर, क्विकली रिकॉल करते हैं कि क्या नीड है क्लासिफिकेशन की. क्लासिफिकेशन की नीड इसलिए है क्योंकि हमारा जो ये वर्ल्ड है इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं, और अब हम सबको तो स्टडी नहीं कर सकते. इसीलिए हमारे बायोलॉजिस्ट ने ये सोचा कि क्यों ना हम इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर दें, कैटेगराइज कर दें, ताकि अगर हम एक मेंबर के बारे में भी पढ़े तो हमें ओवरऑल आइडिया मिल जाए पूरे ग्रुप के बारे में. राइट? याद है फिर कैटेगरीज को हमने क्या बोला था, टैक्सा, टैक्सन, रैंक. याद है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज taxa, if you remember, right? It was the scientific name for categories, okay? फिर हमने 7 obligate जो वो थे हमारे categories like kingdom, phylum, taxonomic categories जो थी हमारी, उनके बारे में हमने last chapter में पढ़ा था. तो आज इस chapter का हम एक basic overview पहले जान लेते हैं. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे अटेम्प्ट्स के बारे में कि कितने अटेम्प्ट्स किए गए ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए. ठीक है, अर्ली अटेम्प्ट्स क्या थे, फिर कितने अटेम्प्ट्स आए, वो आज की वीडियो में कवर हो जाएगा. उसके बाद जो सिस्टम हमने एक्सेप्ट किया उसके अकॉर्डिंग कितने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितनी कैटेगरीज में ग्रुप्ड है, उनके बारे में फिर हम आगे फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अटेम्प्ट्स के साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट अर्ली अटेम्प्ट्स जो पहले जमाने के टाइम पे हुआ करते थे. ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद अर्ली अटेम्प्ट्स. अब आप एक बात बताओ, पहले के टाइम पे क्या कोई साइंटिफिकली सोचता था? नहीं ना, सारे किस बेसिस पे सोचते थे, अपने यूसेज के बेसिस पे सोचते थे कि भाई ये चीज हमारे लिए कैसे यूज हो सकती है. राइट? इसीलिए जितने भी पुराने टाइम पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए अटेम्प्ट्स किए गए वो साइंटिफिकली बेस्ड नहीं थे. पहली चीज हमने क्या जानी कि ये साइंटिफिकली तो बेस्ड नहीं थे. फिर ये किस पे बेस्ड थे, अभी मैंने आपको बताया ये किस पे बेस्ड होंगे, यूसेज पे बेस्ड होंगे, क्योंकि पुराने जमाने के टाइम पे लोग क्या देखते थे कि ये चीज हमारे लिए कैसे यूजफुल हो सकती है. राइट? तो इसीलिए ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन यूसेज, यूसेज पे बेस्ड है. ठीक है, जैसे फूड के लिए, शेल्टर के लिए, क्लोथिंग के लिए. राइट? तो जो हमारे जितने भी अर्ली अटेम्प्ट्स हुए हैं वो साइंटिफिकली बेस्ड नहीं थे. किस बेसिस पे हुए वो, यूसेज के बेसिस पे हुए, लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इन सारी चीजों के लिए हमें क्या क्या यूसेज में आना था उसको हमने क्लासिफाई किया. लेकिन अब तो 21st century है, अब क्या हम ये सारी चीजें सोच सकते हैं 21st century में? नहीं ना, अब तो हमें मोर लॉजिकल, मोर साइंटिफिक अप्रोच इन सारी चीजों को करेंगे. तो अब हम आगे पढ़ते हैं साइंटिफिक अटेम्प्ट्स के बारे में, जो वेरियस साइंटिफिक अटेम्प्ट्स किए गए. सबसे पहले कौन सा हुआ, अब कौन सा एक्सेप्टेड है, जो पुराने हैं वो एक्सेप्टेड क्यों नहीं है, कितने टाइप्स के अटेम्प्ट्स हुए, ये सारे हम आज के वीडियो में कवर करेंगे. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आज के वीडियो में जितना भी टॉपिक इस चैप्टर का फिनिश हो जाएगा, कवर हो जाएगा, वो उसके हैंड रिटन नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइडेड होंगे. टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, आर बायोलॉजी जर्नी. अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा.
तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और डेली के डेली जितने भी कवर हो रही है चीजें उनके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। क्लियर हुआ? चलो अब हम आगे आते हैं। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक अटेम्प्ट की। भाई हम तो 21st सेंचुरी के लोग हैं, हम तो इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है? तो हम बात करेंगे साइंटिफिक अप्रोच की भाई, ठीक है? साइंटिफिक अटेम्प्ट्स जो हुए, राइट? फर्स्ट, सबसे फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट जो हुआ था वो किसने किया था? एरिस्टोटल ने किया था। जो सबसे पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट हुआ था वो किसने किया था? एरिस्टोटल ने किया था। और एरिस्टोटल ने ना क्या किया था, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के बेसिस पे प्लांट्स को ग्रुप कर दिया था और प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड के बेसिस पे एनिमल्स को ग्रुप कर दिया था। देखते हैं उसे, एरिस्टोटल ने क्या किया था? एरिस्टोटल ने प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स को किसके बेसिस पे किया था, किस बेसिस पे प्लांट्स को ग्रुप किया था? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। मॉर्फोलॉजी समझते हो, ये वही टर्म है जो हमने लास्ट टाइम भी, लास्ट वीडियो में भी कवर्ड है, लास्ट चैप्टर के एंड वीडियो में, राइट? मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? यही कि आउटर अपीयरेंस कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, साइज कैसा है, शेप कैसा है, मॉर्फोलॉजी समझते हो, बाहर का फिजिकल अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस, ठीक है? तो एरिस्टोटल ने प्लांट्स को मॉर्फोलॉजिकली ग्रुप किया। और भाई किन किन उसमें किया, देखो, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स के बेसिस में किया, राइट? किसके बेसिस पे किया? मॉर्फोलॉजिकली बेस किया। और कितनों में कैटेगराइज किया? ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स के बारे में, ठीक है? अब मैं फटाफट बताती हूँ कि कैसे कैसे सारे होते हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी होती कैसी है, ठीक है? देखो, ट्रीज जो होते हैं, ट्रीज कैसे होते हैं, थिक स्टेम होती है, एकदम ट्रंक, ट्री को कभी देखो कितनी थिक स्टेम होती है, राइट? ट्रंक होती है उसकी। फिर श्रब्स के बारे में बात करो, वुडी होते हैं श्रब्स, श्रब्स आर नॉट थिक, दे आर नॉट हैविंग थिक स्टेम, लेकिन ये वुडी होते हैं। क्या होते हैं? वुडी। और हर्ब्स, हर्ब्स तो बहुत ही मासूम से, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, राइट? तो ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने प्लांट्स को ग्रुप कर दिया ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में, ठीक है? और इन तीनों के कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ये इन हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगे, जो भी मैं अभी लिखवा नहीं रही हूँ वो नोट्स में होगा, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, उसके बाद मैंने आपको बोला भाई उसने एनिमल्स को भी ग्रुप किया, किस बेसिस पे? रेड ब्लड के प्रेजेंस और रेड ब्लड के एब्सेंस पे, ठीक है? तो अगर से रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है और अगर रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट है, तो ऐसे उन्होंने दो कैटेगरीज बना दी। अगर रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट होता है, वैसे ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, जस्ट हियर टू इट, ठीक है? रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट और रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट। अगर रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट है तो उसको हम बोलेंगे एनाइमा। वैसे को हम क्या बोलते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स को? एनाइमा, एनाइमा, ठीक है? और अगर रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है तो एनेनाइमा, एनाइमा, ठीक है? क्लियर हुई? तो अगर हमारी रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट है तो एनाइमा, और अगर रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है तो एन अनाइमा, ओके? क्लियर हुई ये चीज अच्छे से? एनाइमा और एनेनाइमा, एनाइमा, ठीक है? ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा ना, ऑफकोर्स सी बात है। प्लांट्स को मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे और एनिमल्स को भाई रेड ब्लड के प्रेजेंस पे और रेड ब्लड के एब्सेंस पे। अब आप सोचो आज के टाइम पे तो भाई बहुत ही न्यूसेंस चीज लगेगी आपको ये, राइट? इसलिए इसे हमने एक्सेप्ट नहीं किया, ये एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके नेक्स्ट भी एक अप्रोच आई, कौन सी अप्रोच आई, चलो देखते हैं उस अप्रोच को भी।
second approach. Second approach टू किंगडम क्लासिफिकेशन. सेकेंड अप्रोच क्या थी? टू किंगडम क्लासिफिकेशन. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि अभी कुछ टाइम पहले तक हम इसी टू किंगडम क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रहे थे. यही टू किंगडम क्लासिफिकेशन से हम सारे ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर रहे थे. तो पढ़े ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होती है. ठीक है, तो नेक्स्ट जो आई, सेकेंड जो आई, वो कौन सी आई? टू किंगडम क्लासिफिकेशन. और भाई टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी? जिनके बारे में हमने बहुत सारा पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, कार्ल लाइनस, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, उन्होंने ही हमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी. किसने दी? लाइनस ने दी भाई, हमारे लाइनस ने दी. ठीक है, ओके. अच्छा, इसका मेजर क्राइटेरिया क्या था? मेजर क्राइटेरिया था कि हमारी जो सेल वॉल है, जो हमारी सेल वॉल है, वो प्रेजेंट है या वो एब्सेंट है. ये मेजर क्राइटेरिया था. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन का मेजर क्राइटेरिया क्या था. टू किंगडम क्लासिफिकेशन का मेजर क्राइटेरिया था कि हमारी सेल वॉल प्रेजेंट है या फिर वो एब्सेंट है. ठीक है, इसी के बेसिस पे दो किंगडम्स में उन्होंने डिवाइड किया. ये तो हमें पता ही है, हमने कैटेगरीज में पढ़ा ही है कि वो दो किंगडम कौन से थे. कौन से थे? प्लांटे और एनिमिलिया. प्लांटे फॉर प्लांट्स एंड एनिमिलिया फॉर एनिमल्स. कौन से थे वो? प्लांटे और एनिमिलिया. राइट, प्लांटे फॉर प्लांट्स एंड एनिमिलिया फॉर एनिमल्स. अब ना कुछ क्राइटेरियाज थे जो उन्होंने दिए, वो क्राइटेरियाज मैं आपको समझाती हूँ. यहाँ पे वो क्राइटेरियाज लिखते हैं एक बारी और उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि कैसे ग्रुप किया गया. ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया जो था, अभी मैंने आपको बताया है, सेल वॉल. भाई सबसे पहला क्राइटेरिया कौन सा था हमारा? सेल वॉल. दूसरा क्राइटेरिया क्या था? लोकोमोशन. कि लोकोमोशन है, लोकोमोशन का मतलब समझते हो? एबिलिटी टू मूव. क्या ये चीजें मूव कर सकती हैं या ये चीजें मूव नहीं कर सकती? ठीक है, लोकोमोशन. और थर्ड कौन सा था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन. कैसे खाना मिलता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अभी और भी है, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसके नेक्स्ट में आपको वो बताती हूँ. ठीक है, ओके. चलो फर्स्ट में आते हैं. सेल वॉल. सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है. क्लियर? सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट, ये तो हमारे नाइन्थ क्लास का है सबसे बेसिक चीज. प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है. फिर हमने क्या पढ़ा? लोकोमोशन. प्लांट्स क्या मूव करते हैं? कभी आपने ऐसे देखा है कि एक पेड़ अगर आज यहाँ है तो वो यहाँ आ जाएगा? नहीं ना. तो लोकोमोशन एब्सेंट, लेकिन एनिमल्स तो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो लोकोमोशन प्रेजेंट. ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं? वेरी इजी, सबको पता है. ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिकली वे से अपना खाना बनाते हैं. राइट, सनलाइट की हेल्प से, वॉटर की हेल्प से. तो इनका क्या होता है? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये. राइट, और एनिमल्स कैसे होते हैं? कि एनिमल्स अपना खाना कभी भी खुद बना पाते हैं? नहीं, वो फीड करते हैं. राइट, वो फीड करते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स. हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है. ऑटोट्रॉफ्स क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो फीड करते हैं दूसरे एनिमल्स पे या प्लांट्स पे. राइट, ओके, हर्बेशियस वाले समझ गए ना. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. अब हम और क्राइटेरिया को कंसिडर करते हैं. इसके बाद क्या आया भाई? मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और भी थे क्राइटेरियाज जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने ग्रुप किया. जानते हैं क्या थे?
ठीक है, तीन तो हमने पढ़ लिए भाई। सेल वॉल जो मेजर क्राइटेरिया था, मेजर सबसे मेजर क्राइटेरिया सेल वॉल था, फिर लोकोमोशन, और फिर थर्ड कौन सा हमने पढ़ा अभी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आगे आते हैं, आगे था रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिम्यूलस, इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स देना, एक्सटर्नल स्टिम्यूलस को रिस्पॉन्स देना, जिसको आप कॉन्शियसनेस कहते हो, राइट। तो कॉन्शियसनेस तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है, ये हमें पता है, लेकिन टाइप ऑफ रिस्पॉन्स क्या होता है, देखो नेक्स्ट आया रिस्पॉन्स, एक बार मैं लिख देती हूँ कौन कौन से होते हैं, फिर मैं एक एक को डिटेल में बताऊंगी। रिस्पॉन्स एक्सटर्नल स्टिम्यूलस को, और लास्ट था कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम। कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, ठीक है। तो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिम्यूलस, ये तो हमने पढ़ा ही है कि हमारे अराउंड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस को, सब में कॉन्शियसनेस होती है। लेकिन बच्चे जो प्लांट्स होते हैं ना, जो प्लांट्स होते हैं वो हमेशा स्लो रिस्पॉन्स देते हैं, वेयर एज जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं। और कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम प्लांट्स के कुछ कैटेगरीज के अलावा प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, सॉरी यहाँ पे प्रेजेंट होता है लेकिन कुछ के एक्सेप्ट होता है। किसके एक्सेप्ट होता है बताओ, क्लेमाइडोमोनास के, यूग्लिना के, ठीक है, डायटम्स के, तो क्लेमाइडोमोनास के नहीं होता, यूग्लिना के नहीं होता, डायटम्स के नहीं होता, ये सारे अभी मैं यहाँ लिख नहीं पाऊंगी बट नोट्स में सब प्रोवाइडेड है, ठीक है। और ये तो कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम प्रेजेंट ही होता है, ठीक है, प्लांटे के अंदर कौन सी कैटेगरीज ली और एनिमेलिया के अंदर। एनसीईआरटी में इसका इतना डिटेल नहीं है, बट इट्स बेटर अगर हम इसका ऐसा डिटेल जान ले, ठीक है। आगे इनकेस यू आर नीट एस्पिरेंट तो उसके लिए बहुत यूज में आता है ये। इसलिए आई एम जस्ट कवरिंग, जिन्होंने नहीं देखना इट्स ओके, मतलब लाइक दोज हु वांट टू स्किप कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, दे वांट टू स्किप दे कैन, बिकॉज इसमें आपके एनसीईआरटी में इतना इसका डिटेल नहीं है, बट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती है ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे आते हैं कि भाई प्लांटे में कौन कौन सी कैटेगरीज आई और एनिमेलिया में कौन कौन सी कैटेगरीज आई, मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। प्लांटे में आपका आया बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, जो आपने अपने थर्ड चैप्टर में बायो के पढ़ना है, राइट। एनिमेलिया में क्या क्या आया, एनिमेलिया में आया आपका प्रोटोजोआस, ठीक है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, जो डिटेल में आपको फोर्थ चैप्टर में मिलेंगे आपके, ठीक है, क्लियर, ओके। आगे आते हैं, इसके ना कुछ ड्रॉबैक्स भी थी, ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था ये कहीं ना कहीं सही नहीं था, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थी। भाई क्या ड्रॉबैक्स थी, अब हम उन ड्रॉबैक्स के बारे में जानते हैं। पहली चीज, ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है तो प्लीज बच्चे ध्यान से सुन लो, इसके ड्रॉबैक्स क्या आई टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। पहला, इसने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को समझते हो, यूनिसेलुलर हैविंग ओनली वन सेल, मल्टीसेलुलर हैविंग सो मेनी सेल्स, ठीक है। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में इन्होंने कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं की, कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं की, राइट। दूसरी चीज, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में भी इन्होंने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं की, डिविजन नहीं की, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में भी कोई डिवीजन नहीं की। उसके बाद लास्ट इज दैट यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में भी कोई डिवीजन नहीं की, किसमें नहीं की, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में भी हमारे कोई भी डिवीजन इन्होंने नहीं की, नो डिवीजन एट ऑल, ओके, ठीक है। और एक और था, ऐसे में कुछ हमारे पास एनिमल्स थे यार, कुछ प्लांट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ एनिमल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है,
कुछ चीज वो प्लांट की भी फॉलो कर रहे हैं, कुछ चीज वो एनिमल की भी फॉलो कर रहे हैं, तो उनको तो हम किसी में ग्रुप भी नहीं कर पाए, दे डिड नॉट फॉल, तो हम क्या बोलेंगे कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्लांट के भी थे और एनिमल्स के भी थे, उनको हम कहीं पे भी ग्रुप नहीं कर पाए, किसी भी कैटेगरी में वो फॉल ही नहीं हुए। लाइक क्लेमाइडोमोनास, अगर आप क्लेमाइडोमोनास की बात करो तो उसमें सेल वॉल होती है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, तो भाई प्लांट का फीचर हो गया, लेकिन वो मूव करता है, उसमें लोकोमोशन होता है और उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, जो किसका फीचर हो गया, एनिमल्स का फीचर हो गया। फिर ऐसे आप यूग्लेना की बात करो, यूग्लेना में क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती और लोकोमोशन होता है, तो एनिमल्स का हो गया, और ऑटोट्रॉफिक होते हैं भाई वो, तो प्लांट्स का हो गया। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ग्रुप नहीं कर पाए, इसीलिए हमने ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन को भी अब एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो और क्लासिफिकेशंस आई हमारी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले। दो कौन सी थी फटाफट बता देती हूँ, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, मैं फटाफट इसको बहुत ही 5 मिनट्स में से कवर करती हूँ, फिर हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पे आते हैं जो हमारा मेन बेसिक चीज है। ठीक है, जिसको हमने इस फर्दर चैप्टर में पढ़ना है। तो हमारे पास क्या आया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, ऑन्स हेकल ने। किसने दी थी, ऑन्स हेकल ने दी थी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हमें, और इसने क्या किया था, प्रोटिस्टा एक नया ग्रुप ऐड कर दिया था, मतलब प्लांटे तो था ही, एनिमेलिया तो था ही, साथ में इन्होंने कौन सा ग्रुप ऐड कर दिया था, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा समझते हो, प्रोटिस्टा कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो प्रिमिटिव यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम प्रोटिस्टा कहते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में फर्क मैं बता देती हूँ इनकेस आपको नहीं पता। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उनमें सेल वॉल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, कोपलैंड। किसने दी थी, कोपलैंड ने दी थी 1956 में। इन्होंने उसे किस में ग्रुप किया, देखो सुनो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा, मेटाजोआ। किस में किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा और मेटाजोआ, इनमें उन्होंने उसे ग्रुप कर दिया। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा और मेटाजोआ। मोनेरा, मोनेरा से हम क्या समझेंगे, जो थे ना ये हमारे प्रोकैरियोटिक थे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। प्रोटिस्टा प्रिमिटिव यूकैरियोटिक थे। मेटाफाइटा फॉर प्लांट्स, एडवांस्ड यूकैरियोटिक प्लांट्स, एंड मेटाजोआ फॉर एडवांस्ड यूकैरियोटिक एनिमल्स। ठीक है, ये हमारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन फिनिश होता है। अब हम आगे आते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पे आते हैं, हमारे जो एक्सेप्टेड है, जो हमने पढ़नी है, जिसके बारे में आगे इतनी डिटेल है चैप्टर में, हर एक ग्रुप को इतना ज्यादा डिस्कस किया हुआ है, वो पढ़ते हैं, बहुत ही इजिली हो जाएगा, नथिंग टू वरी अबाउट, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है।
कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं हम? सबसे इंपॉर्टेंट भाई, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को अच्छे से ध्यान से सुनना, बिकॉज इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, पहले हम जानेंगे किसने दी थी। आर एच विटेकर, आर एच विटेकर ने दी थी हमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या क्राइटेरिया था, क्या क्राइटेरिया था? इसका मेजर क्राइटेरिया अलग था बच्चा, इसका मेजर क्राइटेरिया और जो पुरानी वाली था उसका मेजर क्राइटेरिया अलग अलग था, ठीक है? इसका क्या क्राइटेरिया था? पहली चीज, सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर कैसा है? सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक है या फिर सेल स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक है? सेकंड चीज, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, ठीक है? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड क्या आया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये चीज मेरी ध्यान से सुनना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था वो हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का मेजर क्राइटेरिया था। जैसे हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन का मेजर क्राइटेरिया क्या था कि सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल एब्सेंट है, ऐसे ही जो हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया उसका हमारा मेजर क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो मेजर क्राइटेरिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हमने अभी पहले भी पढ़ा है कि जब मैं प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप कर रही थी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, कौन से? ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स, राइट? ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लाइक प्लांट्स। और हेटेरोट्रॉफ्स के अब हमने टाइप पढ़ने हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक, ठीक है? तीन टाइप्स है, पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक और होलोजोइक। होलोजोइक कौन से थे? जो पूरा का पूरा फूड एंगल्फ कर लेते हैं उसे बोलते हैं होलोजोइक। पूरा का पूरा खाना डायरेक्ट एंगल्फ कर लेते हैं उन्हें बोलते हैं होलोजोइक। तो मेजर क्राइटेरिया समझ आया क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने इसे दो कैटेगरीज में कौन से ग्रुप किया? ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, हेटेरोट्रॉफ्स पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक। पैरासाइट समझते हो, जो दूसरे की बॉडी पे फीड करते हैं। सैप्रोफाइटिक लाइक जो आपके डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, और होलोजोइक जो पूरा का पूरा खाना एनगल्फ कर लेते हैं एक ही बारी में। और दो क्राइटेरिया थे जिसके बेसिस पे ग्रुप किया, दो क्राइटेरिया कौन से थे? रिप्रोडक्शन और हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। वेरी इंपॉर्टेंट, फाइलोजेनेटिक या फाइलोजेनी से क्या मतलब होता है? एवोल्यूशनरी। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है एवोल्यूशनरी। एवोल्यूशन से तो समझते हो विद टाइम क्या क्या चेंजेस आए, वो चेंजेस क्यों आए, किस के लिए आए, उससे हमें क्या हेल्प हुई, इन सारी चीजों को बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है? अब वो फाइव किंगडम्स कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाए, प्लांटे और एनिमिलिया। कौन से थे हमारे फाइव किंगडम? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाए, प्लांटे और एनिमिलिया, ठीक है? देखो अब ना हम इसके बारे में पढ़ते हैं।
एक एक करके जितने भी हमने इसके क्राइटेरिया डिस्कस करे हैं उन सारे क्राइटेरिया को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है? ओके, टेबल बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अपने क्राइटेरियाज को लिखेंगे, ठीक है? क्राइटेरियाज को ऐसे लिखते हैं, और फाइव किंगडम जो है वो हमारा, जो हमारा फाइव किंगडम है वो हम ऐसे लेते हैं, ठीक है? तो ये हो गए, यहाँ पे हो गए मेरे तो ये यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया होगा, जो वेरियस क्राइटेरिया मैंने कंसिडर करनी है उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं पहले, ठीक है? जो अभी आपको बताया, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ये सब आएगा यहाँ पे। और फिर सेकेंड, हम फाइव किंगडम में वो कैसे कैसे है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज फाइव किंगडम जो है हमारे, ठीक है? जो पांच किंगडम हमारे पास है तो लिखते हैं भाई, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाय, प्लांटे, एनिमिलिया, राइट? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाय, प्लांटे, एनिमिलिया, ओके? वील स्टार्ट विद, पहला आता है सेल टाइप। एक बार मैं लिस्ट बनवा दूं आपको, ठीक है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ना मैं अलग से लास्ट में कंसिडर करूंगी, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है और वो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बाद में लास्ट में देखते हैं। सेल टाइप, फिर सेल वॉल, सेल वॉल, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वही टेबल है बच्चों जो आपकी बुक में गिवन है, ठीक है? आई कैन नॉट पेस्ट द टेबल हेयर, इसलिए आई हैव टू मेक इट, अदरवाइज नोट्स में भी आपको ये टेबल क्लियरली बना हुआ दिखेगा और मोड ऑफ न्यूट्रिशन काफी अच्छे से एक्सप्लेन हुआ हुआ है नोट्स में। एक्सप्लेन मैं बोर्ड पे भी कर दूंगी, बट येस आई कैन नॉट मेक द एग्जैक्ट टेबल हेयर, तो वो आप एनसीईआरटी से रेफर कर लेना या मेरे नोट्स से रेफर कर लेना, हैंड रिटन नोट्स से। और लास्ट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? अभी हम ये कंसिडर करते हैं, इसके बाद जो आगे आने हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच जाएगा इसके बाद आपका, वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, ठीक है? ओके, सेल टाइप पे आ जाओ। अभी मैंने आपको बताया खाली मोनेरा ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक है और सारे जितने भी हैं वो सब यूकैरियोटिक हैं। तो मोनेरा कैसा है? बस प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मैंने अभी आपको डिफरेंस बताया कुछ देर पहले, दोबारा बोल रही हूँ। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है? ओके, तो अगर मैंने अभी आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में फर्क बता दिया, तो ये वाला और ये वाला तो आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर इसमें सेल टाइप ये प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होगी? एब्सेंट हो जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट? और ये जितने भी बच्चे हुए हैं ना, ये तीन चारों, ये सब यूकैरियोटिक होते हैं, सब यूकैरियोटिक होते हैं, तो सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है? ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं सेल वॉल की तरफ। सेल वॉल, तो सेल वॉल के बारे में मैं इतना यहाँ लिख नहीं पाऊंगी बच्चा, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेल वॉल मोनेरा की कैसी होती है? नॉन सेल्यूलोसिक। अगर भाई वो नॉन सेल्यूलोसिक है, अगर वो सेल्यूलोस से बनी नहीं हुई, तो फिर किन चीजों से बनी हुई है मोनेरा की सेल वॉल? पॉलीसेकेराइड से और अमीनो एसिड से। किससे बनी हुई है? पॉलीसेकेराइड से और अमीनो एसिड से। नेक्स्ट प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल है वो खाली कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं होती, तो प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम,
प्रेजेंट इन सम। उसके बाद फंजाई पे आ जाओ। फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट तो है लेकिन उसमें अगेन सेल्यूलोस नहीं है, तो प्रेजेंट तो है पर नो सेल्यूलोस, नो सेल्यूलोस। फिर हमने क्या बात किया, प्लांटे, प्लांटे तो सबको पता है कि सेल वॉल प्रेजेंट होगा ही होगा, तो इट इज प्रेजेंट और प्रेजेंट है। और प्लांट्स में क्या होता है, हमारे सेल्यूलोस तो होता ही होता है, राइट, सेल्यूलोस तो होता ही होता है। एनिमल्स, एनिमल्स में कभी सेल वॉल के बारे में सुना है? नहीं ना, तो इसलिए हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट आ जाओ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, खाली सेल्स, नो टिश्यूज, नो ऑर्गन्स, नो ऑर्गन सिस्टम। मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, मैं आपको एक लिस्ट बताती हूँ, ठीक है, कैसे होती है चीजें। देखो सबसे बेसिक यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है, सेल। जब सेल मिलते हैं, जब बहुत सारी सेल मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक ही बॉडी में आ जाते हैं जैसे हमारी, तो क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म। क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म। ये चीज क्लियर हुई? तो सेल सबसे बेसिक, सेल मिले टिश्यू बना, टिश्यू मिले ऑर्गन बना, ऑर्गन मिले ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम मिले ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब आपको ये अच्छे से समझ आएगा कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दोनों खाली सेलुलर होते हैं, दोनों में खाली सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ओनली सेल्स, नो टिश्यू, नो ऑर्गन, नो ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। फिर जो हमारे फंजाई होता है वो मल्टी सेलुलर होता है लेकिन लूज टिश्यूज होते हैं, सेल्स है लेकिन जो टिश्यूज होंगे वो कैसे होंगे, लूज टिश्यूज होंगे। तो मल्टी सेलुलर सॉरी और लूज टिश्यूज। फिर जो हमारे प्लांट्स होता है उसमें टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। और एनिमल्स में क्या होता है, टिश्यू भी प्रेजेंट है, ऑर्गन भी प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट है। क्लियर हुई? बहुत ही सिंपल टेबल था भाई ये, तो अगर आपको समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट इसके पीछे का, तो आपको इसमें रट्टाफिकेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक क्विकली ऐसे बोल पाओगे। क्या क्राइटेरिया हमने लिए, सेल टाइप, सेल टाइप क्योंकि प्रोकैरियोटिक है इसलिए हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, क्योंकि इसमें सेल टाइप सब में यूकैरियोटिक है इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा, सेल वॉल इसका कैसा होता है, नॉन सेल्यूलोसिक, क्योंकि इसका नॉन सेल्यूलोसिक होता है इसलिए किससे बना होता है, पॉलीसेकेराइड से और अमीनो एसिड से। इसमें क्या होता है, कुछ में प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है लेकिन सेल्यूलोज नहीं होता, किससे बना होता है ये नहीं बताया हुआ। प्लांट्स में हमारा ऑफकोर्स ही बात है प्रेजेंट होता है और एनिमल्स में हमारा सेल वॉल एब्सेंट होता है, ये हमने ऑलरेडी इसके साथ लिंक कर लिया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वेरी इजी, ये दोनों सेलुलर है, इसमें क्या है, मल्टी सेलुलर है, लूज टिश्यू है, इसमें क्या है, टिश्यू है, ऑर्गन्स है। और एनिमल्स में क्या, अरे ये क्या हो रहा है, और एनिमल्स में क्या हो जाता है, एनिमल्स में सब होता है, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके चलो अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो इसके बारे में हमने लास्ट चीज डिस्कस करनी है, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और फिर इसके 2 to 3 ड्रॉबैक्स है वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद आज का वीडियो हम यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वील स्टार्ट विथ मोनेरा। इसके बाद ना बच्चा एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी होती है बट वो एनसीईआरटी में नहीं है, तो इनकेस यू जस्ट वॉन्ट एनसीईआरटी टू बी डन, तो इसलिए हम नॉट कवरिंग 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हेयर, बट जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, तो वो नोट्स में अवेलेबल होगी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। ईजी है, एज सच कुछ समझने वाला उसमें है नहीं, आप एक बार उसे रीड करोगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके अब हम बात कर लेते हैं भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन की।
आई होप ये टेबल अब तक मैंने जितना भी कवर किया है वो सबको क्लियर हो गया होगा. इन केस कोई भी डाउट हो तो यू कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन. मोर ओवर आप एनसीईआरटी एक बार रीड करोगे मेरे वीडियो के बाद एंड देन यू लुक एट माय नोट्स, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड. ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे. भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहले बताती हूँ मैं मोनेरा के बारे में कि मोनेरा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है. ठीक है, मोनेरा में दोनों होता है, ऑटोट्रॉफ्स भी होता है, सेप्रोफाइटिक भी होता है. मोनेरा ऑटोट्रॉफ्स भी है और हेटेरोट्रॉफिक भी मोड है. ऑटोट्रॉफ्स में तो कोई भाई बताने वाली चीज ही नहीं होती. ऑटोट्रॉफ्स तो पता है खुद खाना बनाते हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं ये बता देती हूँ. दो वेज होते हैं इसमें, कीमोसिंथेटिकली और फोटोसिंथेटिकली. कीमो मतलब केमिकल्स की हेल्प से, फोटो मतलब लाइट की हेल्प से, और हेटरोट्रॉफिक जो होता है वो सैप्रोफाइटिक हो सकता है. ठीक है, या तो वो सैप्रोफाइटिक होगा मतलब वो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करेगा, या फिर वो पैरासिटिक होगा. पैरासिटिक का मतलब समझते हो, जो आपका दूसरे की ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करे. ठीक है, प्रोटिस्टा पे आ जाओ. सॉरी, प्रोटिस्टा अगेन दो मोड्स होते हैं इसके भी, ऑटोट्रॉफ्स हेटरोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो खाली फोटोसिंथेसिस, ओनली फोटोसिंथेसिस, दैट इज ओनली विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. और हेटरोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स के एसिड के कैसे होते हैं ये आपकी बुक में गिवन है. ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ. फंजाय, फंजाय जो होते हैं वो ओनली हेटरोट्रॉफिक होते हैं. नेक्स्ट इज फंजाय, फंजाय आर ओनली हेटरोट्रॉफ्स, जस्ट हेटरोट्रॉफ्स. क्योंकि हेटरोट्रॉफ्स है तो भाई कौन सा मोड होगा इनमें, अगेन सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक. दो मोड कौन से होते हैं, सैप्रोफाइटिक मतलब डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड कर रहा है, और पैरासिटिक मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है. देन प्लांटे, प्लांटे प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स में ये कैसा होता है, सारे प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स ही तो होते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक भाई, और फोटोसिंथेटिक होता है. राइट, आपको सबको पता है कि ये लाइट की हेल्प से कोई केमिकल थोड़ी इन्वॉल्व होते हैं. प्लांट्स में कभी ये चीज सुनी है आपने कि कोई केमिकल इन्वॉल्व से वो अपना खाना बना रहा है? नहीं ना, हमेशा किसकी हेल्प से बनाता है, सनलाइट. इसलिए कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक. क्लियर हुई है चीज. उसके बाद एनिमेलिया, एनिमेलिया कभी एनिमल्स अपना खाना खुद बनाते हैं? नहीं बनाते. इसलिए खाली क्या होंगे, ये खाली हेटेरोट्रॉफ्स होंगे. हेटेरोट्रॉफ्स कैसे, हेटेरोट्रॉफ्स कभी एनिमल्स को किसी ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हुए देखा? नहीं ना, नॉट पॉसिबल ना. इसलिए जो इसमें दो मोड्स होते हैं, दैट इज होलोजोइक, दैट इज वो अपना खाना पूरा का पूरा खुद इनगल्फ कर ले, पूरा खाना अपने अंदर ले ले, या फिर दूसरा होता है इसमें आपका सैप्रोफाइट, डेड और डिकेइंग. बच्चे एनिमल्स में याद रखना, सारे एनिमल्स, नॉट जस्ट ह्यूमन. अगर आप खाली ह्यूमन को एनिमल में लोगे तो फिर आपको ये समझ नहीं आएगा. एनिमल्स मतलब सारे एनिमल्स. ठीक है, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक. तो मोनेरा में हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स, सिंस इट इज द मेजर क्राइटेरिया इसलिए मैंने इसका इतना डिटेल दिया. मोनेरा में हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स. अगर वो ऑटोट्रॉफ हो रहे तो वो कीमो या फोटो के भी होगा. कीमो मतलब केमिकल, और फोटोसिंथेटिक मतलब विद हेल्प ऑफ सनलाइट. ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स तो सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक. सैप्रोफिटिक मतलब डेड और डिकेइंग मैटर, और उसका क्या मतलब हो गया, उसका क्या मतलब हो गया आपका, इसका पैरासिटिक का कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करेगा. फिर प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स ओनली विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा फंजाय. फंजाय में क्या होगा, फंजाय विल हैव ओनली हेटरोट्रॉफ्स. हेटरोट्रॉफ्स मतलब सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक. सैप्रोफिटिक मतलब डेड और डिकेइंग मैटर पे, पैरासिटिक मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे. फिर हमने प्लांटे के बारे में पढ़ा. प्लांटे तो आपको, हम सबको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो
ऑर्डर ऑफ से होते हैं, वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, और किसकी हेल्प से बनाते हैं, सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं, इसलिए वो कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक। और एनिमल्स, एनिमल्स अगेन हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि वो अपना खाना कभी भी खुद नहीं बनाते। होलोजोइक, या वो अपना पूरा खाना खुद ही इनगल्फ अंदर कर लेते हैं, या फिर वो कैसे होते हैं, सैप्रोफाइटिक। यहां तक क्लियर है सबको? इसके बाद दो ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, दो ड्रॉबैक्स हैं। मैं बहुत ही क्विकली उन दोनों ड्रॉबैक्स को कवर कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए और ये टॉपिक यहीं फिनिश हो जाए। ड्रॉबैक समझना, ड्रॉबैक्स क्या कहती हैं? ड्रॉबैक पहला कहता है कि जो एल्गे है, एल्गे उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड है ना, वो तीन ग्रुप में आते हैं इस कैटेगरी में। देखो एल्गे, एल्गे तीन ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन से? मोनेरा में, प्रोटिस्टा में और प्लांटे में। मोनेरा में आपकी आती है ब्लू ग्रीन एल्गे, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गे आती है। प्रोटिस्टा में कौन सी एल्गे आती है आपकी? डाइनोफ्लेजलेट्स, डायटम्स, ये दोनों प्रोटिस्टा होते हैं, डाइनोफ्लेजलेट्स, डायटम्स। और प्लांट्स में कौन सा आता है आपका? रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गे, तीनों हमारे। तो देखा आपने एल्गे को कितना डाइवर्स कर रखा है भाई, कुछ मोनेरा में भी आ रहा है, कुछ प्रोटिस्टा में भी आ रहा है, कुछ प्लांटे में भी आ रहा है, तो बहुत ज्यादा आ रहा है, राइट? बहुत ज्यादा डाइवर्स किया हुआ है। दूसरी चीज वायरस, वायरस यहाँ कहीं प्रेजेंट ही नहीं है, वायरस का कहीं नाम ही नहीं है, वायरस का, वायरस को कहीं ग्रुप भी नहीं किया हुआ, ठीक है। तो एक ड्रॉबैक हो गया ये और एक ड्रॉबैक हो गया मेरा ये। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास बच्चों, एंड टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग विद हमारा मोनेरा, ठीक है। उसके बाद मैं एक और चीज बता दूं, इसमें सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी है, लेकिन सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसलिए मैं उसे कवर नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। इन केस आपको वो पढ़ना हो तो मेरे नोट्स में वो होगी, इन डिटेल डिस्क्रिप्शन में उसके, आप एक बार उसे रीड करोगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। वो नीट एस्पिरेंट्स के लिए होता है, वो एनसीईआरटी में नहीं है, और आज तक जितना भी हुआ है आज का, वो भी हमारे नोट्स में अच्छे से डिटेल होगा। तो इन केस आपको नोट्स चाहिए हो तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर डेली अपडेट्स, एंड कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। ओके, थैंक यू।